महाराष्ट्र में नागपुर के बाजार गांव स्थित सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में एक बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके से कंपनी की एक दीवार गिर गई है। आशंका है कि इस दीवार के मलबे में भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। नागपुर एसपी ग्रामीण के मुताबिक अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4 लोगों को गंभीर हालत में बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में नागपुर के बाजार गांव में बड़ा हादसा हुआ है। यह धमाका सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में हुआ है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाव का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कंपनी के कास्ट बूस्टर प्लांट में पैकिंग के समय यह ब्लास्ट हुआ है। पुलिस के मुताबिक अब तक 4 लोगों को जख्मी हालत में बचाया भी गया है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो सका है कि अंदर कितने लोग और फंसे हुए हैं, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि और भी लोग फंसे होने की आशंका है। आपको बता दें कि यह हादसा नागपुर ग्रामीण इलाके में हुई है। नागपुर ग्रामीण एसपी के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा फिलहाल बढ़ सकता है। फिलहाल 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि हादसे में घायल 4 लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। उन्होंने बताया कि बचाव टीमें लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि हादसे के वक्त कितने लोग अंदर काम कर रहे थे या फिर कितने लोग हादसे के बाद खुद को भागाकर अपनी जान बचा पाए। एसपी ग्रामीण के मुताबिक हादसा इतना तेज था कि कंपनी की इमारत का एक हिस्सा भी ध्वस्त हो गया है। इस धमाके की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनी गई, इससे हड़कंप मच गया। उन्होंने बताया कि इस इमारत के मलबे में भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौका स्थिति को देखते हुए दूसरे रेस्क्यू टीमों को बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक हादसे की वजह भी सामने नहीं आई है। दरअसल अभी सभी टीमों का मुख्य फोकस बचाव काम पर लगा हुआ है। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कंपनी मालिक सत्यनारायण नोवाल ने बताया कि कंपनी के अंदर सुबह करीब 9:30 बजे कोल ब्लास्टिंग के लिए बारूद की पैकिंग हो रही थी। इसी दौरान किसी पैकेट में ब्लास्ट हो गया। चूंकि आसपास अन्य पैकेट भी रखे हुए थे, इसलिए एक के बाद एक कई पैकेट इसकी चपेट में आ गए। बता दें कि सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी खास तौर पर रक्षा विभाग के लिए एक्सप्लोसिव पदार्थ और अन्य रक्षा उपकरण तैयार करती है, और इसी कंपनी में ब्लास्ट हुआ है। और ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इनकी आवाज़ दूर तक लोगों को सुनाई दी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।